हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ आपको आर्म होल की कटिंग बताऊंगी कि कैसे हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। ये मैंने लेडीज़ कार्डिगन में बना रही हूँ और इसमें मैंने देखिए 111 फंदे में ये डिज़ाइन को सेट किया है, और जो कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको ऑल ओवर भी डाल सकते हैं और बॉर्डर भी डाल सकते हैं। एज अ बॉर्डर भी आप डालेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। देखिए एकदम कटवर्क वाला डिज़ाइन आएगा, बहुत सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कैसे आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, जितना हमको लेंथ चाहिए थी कार्डिगन की हमने उतनी बना ली है। तो आपको लेंथ नापने के लिए सबसे पहले अपने हिप पर, यहाँ से हिप से रखना है और आर्म होल तक आपको नाप लेना है जितना आपको लंबा चाहिए। अगर आप लॉन्ग बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से बनाएंगे, अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो आप लेंथ के अकॉर्डिंग, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसको बनाएंगे। तो ये देखिए, जितना मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने ये देखिए यहाँ से हिप से रखा, ये पार्ट हिप से रख कर, और जितना मुझे लंबा चाहिए था मैंने बना लिया, आर्म होल तक मैंने बना लिया है। अब इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे ये इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए, तो यहाँ से देखिए पहले हम 5 फंदे घटाएंगे, तो 5, 3, 2, 1 की कटिंग है वो घटाएंगे, यानी कि 10 फंदे हम इधर से घटाएंगे और 10 फंदे हम इस तरफ से घटाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे घटाएंगे। ये जो 2 फंदे हैं इनको सिलाई में ऐसे लेना है और 2 का 1 करेंगे यहाँ पर। तो देखिए एक फंदा हमारा कम हो गया, फिर ये वाला फंदा इस सिलाई में लेकर इस फंदे को और इस फंदे को लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2 फंदे कम हो गए, फिर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। 3 फंदे, फिर ये वाला और ये वाला लेंगे, 2 का 1 करेंगे। 4 फंदे कम हो गए, फिर ये वाला और ये वाला फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 5 फंदे हमने कम कर दिए। ठीक है, अब हमारा जैसे डिज़ाइन हमारा चल रहा था ना सेम हमने बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 का 1 कर रहे थे, ये जो फली हमारी बन रही थी, तो यहाँ पर हमने देखिए 3 का 1 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 का 1 जब कर रहे थे जब हमारी ये जाली भी पड़ रही थी, क्योंकि हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ा रहे थे तभी हम 3 का 1 कर रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर सीधा बना लेंगे और इसको उतार के ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। अब 3 का 1 नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने देखिए 2 का 1 कर दिया ताकि ये फली हमारी चलती रहे। ठीक है, क्योंकि हम एक फंदा यहाँ पर अभी बढ़ाएंगे इसलिए मैंने 2 का 1 कर दिया, एक फंदा यहाँ पे हमारा कम हो गया। डिज़ाइन का है ये, आपको ये डिज़ाइन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए 4 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर जाली डालेंगे और जाली डाल के एक फंदा सीधा। तो ऐसे ही हमने देखिए डिज़ाइन को बनाते हुए चले जाना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, पूरे कार्डिगन में आप बनाएंगे ना तो बहुत सुंदर लगता है। तो जैसा हमारा डिज़ाइन चल रहा था बाकी हमने सारा वैसे ही बना लेना है। ये देखिए 3 का 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा फुल है डिज़ाइन, तो हम यहाँ पर 3 का 1 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा दिया है। तो एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दिया है और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो 2 फंदे हमारे यहाँ पर कम हुए हैं। तो चलिए इसको बना लेती हूँ और इसको पूरा कंप्लीट करके मैं यहाँ पर आपको उल्टी साइड में दिखाती हूँ कैसे हमने फंदे कम करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई हमने बना ली है, अब ये रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। और देखिए अब ये 2 फंदे लेंगे, यहाँ पे भी हमने 5 फंदे कम करने हैं, 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से ये वाला फंदा और ये वाला लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, ये वाला फंदा और ये वाला लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, यहाँ 2 का 1, फिर ये वाला और ये वाला लेंगे, 2 का 1 कर देंगे।
देखिए 5 फंदे हमने यहाँ पे भी कम कर लिए हैं, ठीक है। और रॉन्ग साइड में तो हमारा पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनती है, तो इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो फंदा है ना, इसको हम नहीं बुनेंगे, क्योंकि जो हमारी ये चेन बन रही है ना, बिल्कुल स्मूथ आएगी। वरना अगर हम इसको, जैसे हम इसको साथ में इसको बुन लेते हैं ना, तो ये यहाँ पर कटाव कटाव से आ जाएंगे। तो आप इसको नहीं बुनेंगे ना, तो एकदम स्मूथ हमारी चेन बनेगी। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाएंगे हम। तो इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ तक मैंने बुन लिया है, और ये वाला बिना बुने ऐसे ही ले लूँगी, ठीक है। फिर अब देखिए राइट साइड में आ गए हैं, और ये वाला बिना बुना फंदा इस सिलाई में लेंगे, और ये वाला भी ले लेंगे। तो अब देखिए ये वाला फंदा ऐसे उतार के, और ऐसे, ये देखिए एक फंदा हमारा कम हो गया। फिर ये वाला फंदा लेंगे, और ये वाला 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 2 फंदे कम हो गए। फिर ये वाला लेंगे, और ये वाला लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 3 फंदे मैंने यहाँ पे कम कर लिए, 5, 3, 8 फंदे कम हो गए। बाकी जैसा हमारा डिज़ाइन चल रहा है, हमने वैसे ही बना लेना है। तो चलिए इसको पूरी रो को बना लेती हूँ, उल्टी तरफ से दिखाती हूँ आपको। तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पे भी मैंने एक फंदा बिना बुना ही छोड़ दिया है उल्टी साइड में भी, और यहाँ पे भी देखिए 3 फंदे हम कम करेंगे। तो ये 2 फंदे उतार लिए, और ये बैक वाला फंदा आगे वाले फंदे से ऐसे गिरा देंगे। तो एक फंदा कम हो गया। फिर ये वाला और ये वाला लेंगे फंदा, 2 का 1। फिर ये वाला सिलाई में डाल के ये फंदा और ये फंदा लेंगे, 2 का 1। ये देखिए 3 फंदे मैंने कम कर दिए, बाकी के सारे फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड में। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से हमने पूरा फंदे बनाकर अब सीधी तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा बिना बुने और ये वाला ले लिया है, और ये बैक से ऐसे आगे को गिरा देंगे। तो ये देखिए एक फंदा कम हो गया। 2 फंदे हमने इस रो में कंप्लीट करने हैं, ये देखिए कम करने हैं। तो 2 फंदे कम कर दिए, 1 फंदा ये कर दिया और 1 फंदा ये। अब सिर्फ हमारा 1 फंदा बाकी है कम करने के लिए। बाकी हमने देखिए 5, 3, यहाँ पर देखिए 5, 3 और 2, ये हमारे 10 फंदे हमारे कम हो गए। अब 1 फंदा और कम करेंगे तो हमारी कटिंग पूरी हो जाएगी। अब इस तरफ से हमारे अभी 2 फंदे और 1 फंदा और कम होगा। तो चलिए इसको अभी बना लेंगे। तो ये देखिए रॉन्ग साइड में अब हमने 2 फंदे कम करने हैं। तो ये बुना बिना बुना फंदा और ये इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो 1 फंदा कम हो गया। फिर ये वाला और ये वाला फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। देखिए 2 फंदे कम हो गए हैं, और बाकी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेने हैं। बस अब 1 फंदा हमने कम करना है, फिर हमारी आर्मोल की कटिंग पूरी हो जाएगी। अब इसको हमने उल्टा उल्टा पूरे फंदे बना लेने हैं, रॉन्ग साइड है। चलिए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, सीधी तरफ से आपको दिखाऊंगी अब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से आ गए हैं, और ये वाला फंदा देखिए बिना बुना हमने लिया हुआ है, और 1 फंदा और उतार लेंगे सिलाई में, और ये वाला फंदा उठाकर आगे वाले फंदे से गिरा देंगे। तो 1 ही फंदा हमने यहाँ पर कम करना था, जो हमने कर लिया है। बाकी हमारा जैसा चल रहा था ना, सेम वैसे ही हमने बनाते हुए चले जाना है। अब बाकी जैसे डिज़ाइन हमारा चल रहा है ना, सेम हमने बना लेना है।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसको इस रो को मैं बना लेती हूँ और यहाँ पे भी एक फंदा कम कर लेते हैं। तो ये देखिए, रॉन्ग साइड में भी एक फंदा कम कर लेंगे, ये बिना बुना फंदा और ये वाला फंदा लेंगे सिलाई में, और ये बैक वाला उठा कर आगे वाले फंदे से गिरा देंगे। तो एक फंदा ही कम करना था। ये देखिए, हमारी आर्म होल की कटिंग हमारी पूरी हो गई है। बाकी इस रो को पूरा हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। ऐसे आर्म होल की कटिंग करेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगती है हमारी आर्म होल की कटिंग, बहुत ही देखिए फिनिशिंग से बनता है। और अगर आप जैसे एक फंदा जो होता है लास्ट वाला बुन लेते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे हमारी सीढ़ी नुमा होता है ना, सीढ़ी की तरह कटाव से आने लगते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और सिलने में भी हमारा अच्छा नहीं रहता। तो आप इस तरीके से आप आर्म होल की कटिंग करेंगे तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सुंदर लगेगी हमारी आर्म होल की कटिंग, और एक चेन सी दिखाई देगी। देखिए ऐसे, देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी कटिंग हुई है पूरी। तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी कटिंग हुई है, और देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के कार्डिगन में, गर्ल्स के बेबी स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे तो बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आर्म होल की कटिंग पूरी हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे ही हम 4.5 इंच तक बनाते चले जाएंगे तो हमारा जो बैक पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही अब सिंपल सिंपल ऐसे ही बनाते चले जाना है, जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है, डिज़ाइन बनता हमारा चला जाएगा, ऐसा ही हमने 4.5 इंच तक बना लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको बताने का मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा ही न्यू वीडियो मैं शेयर करती रहूँगी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रंट पार्ट बताऊंगी, कैसे हमने फ्रंट पार्ट बनाना है और बटन पट्टी कैसे बनानी है, सारा कुछ बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।